प्रेरित पौलुस की इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 2 वचन 8 से लेकर 10 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस बता रहा है कि हमारा जो उद्धार हुआ है वो उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ है और अनुग्रह से हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये उद्धार जो है वो उद्धार अनुग्रह से हुआ है। अनुग्रह यानी कृपा, अंग्रेजी में कहते ग्रेस। अनुग्रह से हुआ है और विश्वास के द्वारा हुआ है। ये हमारे कर्मों के कारण नहीं, बल्कि ये परमेश्वर का दान है, ताकि कोई आदमी घमंड न करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने जो कुछ किया है वो अनुग्रह है, कृपा है, और उसका लाभ हमें कभी होता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तभी होता है। और ये जो है परमेश्वर का दान है, हमारे कर्मों के कारण नहीं है। हालेलुया। कोई आदमी खुद के पवित्रता से स्वर्ग में नहीं जा सकता है, कोई आदमी खुद के भले कामों से स्वर्ग में नहीं जा सकता है, ऐसा एक भी आदमी संसार में नहीं है जो इतना पवित्र है कि जो स्वर्ग में जा सकता है। इस पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, पूरे जगत में ऐसा एक भी आदमी नहीं है कि जो इतना पवित्र है कि अपने पवित्रता से स्वर्ग में सीधा जा सकता है। सब लोग पापी है, हर आदमी पापी है, मनुष्य का जीवन पाप से भरा हुआ है। कोई आदमी को ऐसी आशा नहीं है कि मुझे परमेश्वर देखे और बोले चल अंदर स्वर्ग में, क्योंकि सब लोग गंदे हैं, पाप से हमारा जीवन गंदा गंदा बन चुका है, और पाप की गंदगी जो है हमारी आत्मा के ऊपर है, हमारा आत्मा जो है पाप के दाग से भरा हुआ है। इसलिए एक संसार में ऐसा एक भी आदमी नहीं है कि जो अपने भले कामों के कारण, अपनी पवित्रता के कारण स्वर्ग में सीधा जा सकता है। परमेश्वर ने जब स्वर्ग से देखा कि पूरा संसार पाप में डूबा हुआ है, पूरा संसार पाप से गंदा हुआ है, पूरा संसार अपवित्रता में डूब गया है, और एक भी मनुष्य मेरे स्वर्ग में नहीं आ सकता है, तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने ऐसी योजना की, परमेश्वर के मन में एक विचार आया, जो विचार था मनुष्य के भले का विचार, जो विचार था मनुष्य पर दया करने का विचार, जो विचार था मनुष्य का उद्धार करने का विचार। क्या विचार परमेश्वर के मन में आया? जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्लान ऑफ सेल्वेशन, उद्धार की योजना। मनुष्य के उद्धार की योजना परमेश्वर पिता के दिल में आ गई, और क्या थी वो योजना? वो योजना यही थी कि जो पूरी मानवता है गंदगी से भरी हुई है, पाप से भरी हुई है, इनका पापों का दंड यही है कि पूरी मानवता नरक में चली जाएगी। लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं मेरा इकलौता पुत्र इस संसार में भेजूंगा, और उस पुत्र को पूरे मानवता के पापों का दंड खुद के शरीर पर लेने का कहूंगा। वो पूरी मानवता का पापों का दंड अपने शरीर पर लेगा, तो मानवता को पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया,
हालेलुया। मनुष्यों ने जितना पाप किया है उन सब पापों का दंड अपने खुद के शरीर पर लेने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। हालेलुया हालेलुया। यदि मनुष्यों का पापों का दंड यीशु मसीह लेता है तो मनुष्यों को पापों की क्षमा मिलती है, और मनुष्यों को यदि पापों की क्षमा मिलती है तो मनुष्य स्वर्ग में जा सकता है। हालेलुया हालेलुया। तो मनुष्य स्वर्ग में कैसा जा सकता है? यदि उसको पापों की क्षमा मिलेगी तो जा सकता है। पापों की क्षमा कैसी मिलेगी? उसके पापों का दंड और कोई लेगा तो उसको क्षमा मिलेगी। हालेलुया। और कौन है जो मनुष्यों के पापों का दंड लेगा? वो स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है योहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो जाए बल्कि वो अनंतकालीन जीवन पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मनुष्यों के पापों का दंड उठाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के धरती पर आया, और मनुष्यों के पापों का दंड उसने अपने बदन पर लिया, शरीर पर लिया, और वो पूरा दंड लेने के बाद उसने जान दी, वो मर गया, इसीलिए कि सब मनुष्यों को सब पापों की क्षमा मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेरित पौलुस बता रहा है कि हमारा उद्धार हो चुका है, लेकिन उद्धार कैसा हुआ है? हमने अच्छा किया इसलिए नहीं, हमने भले काम किए इसलिए नहीं, हम पवित्र है इसलिए नहीं, हम सब पापी है, लेकिन हमारे पापों का दंड उसने लिया है, इसलिए हम उद्धार पा चुके हैं, इसलिए हम स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, हे परमेश्वर की कृपा है। हमने कुछ हासिल नहीं किया, कमाया नहीं, उद्धार कमाया नहीं, उद्धार परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने दिया इसलिए हमें मिला, परमेश्वर ने दिया नहीं होता हमें मिला नहीं होता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझ लीजिए, एक जगह एक दरवाजा है, वो दरवाजा जो है केवल 2 फुट चौड़ा है, और एक हाथी आया। हाथी कितना चौड़ा होता है आपको मालूम है? वो हाथी को दरवाजे से अंदर जाना है, हाथी नहीं जा सकता है, वो बहुत कोशिश करता है, जा नहीं सकता है। हाथी को यदि काटेंगे तो अंदर जाएगा। हालेलुया। वैसा उद्धार का दरवाजा बहुत छोटा है, पतला है, हम पाप से मोटे हो गए हैं, पाप कर कर के हम मोटे हो गए हैं, तो हम उस छोटे दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते हैं, काटना पड़ेगा। काटेंगे तो जाएंगे, लेकिन काटेंगे तो मर जाएंगे। मनुष्य का उद्धार क्यों नहीं हो सकता है? मनुष्य पाप के कारण मोटा बन चुका है, तो उद्धार का दरवाजा छोटा है, पतला है, इसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य खुद की ताकत से उद्धार नहीं पा सकता है, मनुष्य अपवित्र है, पाप से भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के पास एक रास्ता था। वो रास्ता कौन सा है? उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को यहाँ भेजा। यीशु मसीह ने पूरी मानवता के पापों का दंड अपने शरीर पर लिया, तो यीशु मसीह ने अपने पापों का दंड लिया है, इसीलिए हमें पापों की क्षमा मिलती है और हम स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया। उद्धार हमें कैसा प्राप्त होता है? परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, परमेश्वर की कृपा के कारण। लेकिन दो बातें बताइए उद्धार के बारे में। उद्धार अनुग्रह से मिलता है, लेकिन विश्वास के द्वारा मिलता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करेंगे तो ही हमें उद्धार मिलेगा। यदि आप बताएंगे मुझे यीशु मसीह की नहीं चाहिए, तो आपको उद्धार नहीं मिलेगा। हालेलुया
हालेलुया। मैं बोलूंगा मुझे यीशु मसीह चाहिए, तो यीशु मसीह ने मेरे लिए जो किया है वो मुझे मिलेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उद्धार उन अनुग्रह से मिलता है, लेकिन विश्वास के द्वारा मिलता है। हमें विश्वास रखना पड़ता है। किस पर विश्वास रखना पड़ता है? किस पर विश्वास रखना पड़ता है? सुसमाचार के ऊपर विश्वास रखना पड़ता है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यही है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो जाए, बल्कि वो परमेश्वर के अनंतकालीन स्वर्ग में जाए। हालेलुया हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि हमारे लिए यीशु मसीह मर चुका है। हम विश्वास करते हैं हमारे पापों का दंड यीशु मसीह ने लिया है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग में सीधे चले जाते हैं। हालेलुया। ये विश्वास जब हम करते हैं तब हमें स्वर्ग का स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग में प्रवेश मिलता है। हालेलुया हालेलुया। तो भाई और बहनों, हम तो अंधेरे में थे, शैतान के हाथ में थे। हमारी हालत परमेश्वर पिता ने देखी, स्वर्ग से देखी। उसने अपना पुत्र भेजा, पुत्र का हाथ पकड़ के हम अंधेरे से बाहर आ गए। यीशु मसीह ने हमारा हाथ पकड़ा तो हमें बाहर निकाला, अंधेरे से बाहर निकाला, शैतान के हाथ से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद यीशु ने क्या कहा? अभी वो गंदा काम मत करो, अभी अच्छा काम करो। मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा काम रखा है, वो अच्छा काम तुम करो। अच्छा काम कौन सा है? प्रार्थना करना अच्छा काम है, परमेश्वर की स्तुति करना अच्छा काम है, लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार बताना अच्छा काम है, लोगों के सर पर हाथ रख के प्रार्थना करना अच्छा काम है, यीशु मसीह के नाम दुष्टात्मा को निकालना अच्छा काम है, कोई गरीब आदमी को मदद करना अच्छा काम है, जिनको जरूरत है उनकी सहायता करना अच्छा काम है। बुरा काम कौन सा है बताने की जरूरत नहीं है। चोरी करना बुरा काम है, रिश्वत लेना बुरा काम है, रिश्वत देना बुरा काम है, किसको मारपीट करना बुरा काम है, किसी का मर्डर करना बुरा काम है। बुरे काम अच्छी तरह से हम जानते हैं, अच्छे काम हम ज्यादा जानते नहीं है। सही बोल रहा हूं ना? बुरे काम हम ऐसे अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अच्छे काम हम ज्यादा जानते नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी प्रभु यीशु ने क्या बताया? मैंने तुम्हें शैतान के हाथ से बाहर निकाला है, अंधेरे से बाहर निकाला है, और एक दिन मैं तुझे स्वर्ग में बुलाऊंगा, स्वर्ग में ले जाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उस दिन तक तुम धरती पर रहना, अच्छे काम करते रहना। हालेलुया। आप यीशु मसीह के पास आए 2006 में, आपकी उम्र थी 40 साल, आप मरेंगे समझो 30 साल के बाद 2037 में 2036, और मरने के बाद आप स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन 30 साल पृथ्वी पर आप क्या करेंगे? 2006 में आपने यीशु का स्वीकार किया है और यीशु मसीह को प्रभु माना है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना है, आपको पापों की क्षमा मिली है और यीशु मसीह आपको स्वर्ग में लेने वाला है, लेकिन तुरंत नहीं लेता हो, एक सेकंड में नहीं लेता, वो कहता धरती पर रहो कितने साल, और 30 साल, जब तुम्हारी उम्र 70 हो जाएगी 70 हो जाएगी मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा, लेकिन 30 साल धरती पर क्या करेंगे? अच्छे काम करेंगे। उसके पहले 40 साल क्या किया? बुरे काम किए। 40 साल औरत को ठकाठक ठकाठक मारा, कोई लोग ऐसे मारते औरत को बा, 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 बा। जैसे गुंडा को मारते है ना, कोई लोग ऐसे मारते है औरत को, बराबर ऐसे मारते है 40 साल तक। 40 साल के बाद यीशु के पास आया, अभी 30 साल और जीने वाला है, 30 साल क्या करेगा? औरत को चाय लेके देगा। 40 साल क्या किया? ऐसा किया। 40 साल ऐसा किया, 30 साल क्या करता है? चाय देता है। यीशु ने क्या कहा? वचन क्या कहता है? बच्चे हुए जीवन में
अच्छा काम करने के लिए यीशु ने हमें चुना है, अच्छे काम के लिए, भले काम के लिए हम जीवित है, नहीं तो हम मर के सीधे स्वर्ग में जाते। यीशु का स्वीकार करने के बाद पापों की क्षमा मिलती है, हम स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन यीशु कहता है अभी मत आओ, अभी मत आओ, रुको रुको, अभी मत आओ। तो यीशु को पूछेगा अभी क्या करूं मैं, अभी अच्छा काम करो। मुझे जानने के पहले क्या करता था, बुरा काम करता था, मुझे जानने के बाद क्या करना है, अच्छा काम करना है। हालेलुया। आप समझो आज पहले दिन यहां आए हैं, पहले बार आज दान थैली घुमाई गई, एक बार और एक बार घुमाई जाएगी। आप क्या करेंगे, आठ आना ढूंढते हैं, चार आना ढूंढते हैं। आप पहले बार आए ना, आप बोलेंगे पैसा क्यों देने का, पैसा मुझे चाहिए, पैसा मुझे चाहिए, बराबर। दाव चावल दाल खाई और खाना खा गया, चाय भी पिएगा लेकिन आठ आना डालेगा। यहाँ चाय दो, चाय दो बार पिएगा, खाना खाएगा, पानी पिएगा, टॉयलेट को जाएगा लेकिन आठ आना ही डालेगा, बराबर है, बराबर है। लेकिन मेरा प्रवचन सुनने के बाद, परिवर्तन होने के बाद, दूसरे बार जब आएगा तो बोलेगा आज दो रुपया डालता हूं, तीसरे बार आएगा पांच रुपया डालेगा, चौथे बार आएगा दस रुपया डालेगा, छह महीने के बाद सौ रुपया डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा क्यों होता है, उसकी ट्यूब जलती नहीं है। जब ट्यूब जलती है, अरे मैं तो बुरा काम करने वाला था, यीशु मसीह ने मुझे पापों की क्षमा दी है, यीशु मसीह ने मेरा स्वीकार किया है, अभी से मैं अच्छा काम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी से मैं अच्छा काम करूंगा। पहले मैं दान नहीं देता था, अभी मुझे मालूम हो गया दान देना परमेश्वर की आज्ञा है, तो अभी मैं दान देना शुरू करूंगा। आप में ऐसे कोई लोग है जो आज पहले ही दिन आए हैं, अभी एक रुपया भी नहीं डाला, आठ आना भी नहीं डाला, बराबर। आज आप में ऐसे कोई लोग है जो आज दोबारा आया है, सेकेंड टाइम आए है, दो रुपया डाला है। आप में ऐसे कोई लोग है जिन्होंने सौ रुपया भी डाला होगा, क्योंकि वो आते आते छह महीना हो गया। सब तरह के लोग यहां है, सब तरह के लोग यहां है, किसी ने पैसा डाला ही नहीं, किसी ने आठ आना डाला है, किसी ने दो रुपया डाला है, किसी ने सौ रुपया भी डाला है। जैसी ट्यूब जलती है वैसा पैसा डालते हैं, ट्यूब कम जलती है कम पैसा डालते हैं, ट्यूब ज्यादा जलती है ज्यादा पैसा डालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए चुना है। अंग्रेजी में शब्द है वी हैव बीन रिजर्व्ड फॉर द गुड वर्क, गुड वर्क्स, वी हैव बीन रिजर्व्ड फॉर गुड वर्क्स। हिंदी में कहेंगे तो हमें आरक्षित किया गया है अच्छे कामों के लिए। परमेश्वर ने कहा 40 साल तुम मुझे नहीं जानता था, बुरा काम किया, अभी मुझे जानता है, मैंने तुझे अंधेरे से बाहर निकला है, अभी से अच्छा काम करो। 30 साल मैं तुझे धरती पर रखूंगा, 30 साल अच्छा काम करते रहो, 30 सालों के बाद मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भाई और बहनों, हमें पहले सीखना है कि उद्धार जो हो चुका है किसी मनुष्य के भले कामों से नहीं, उद्धार परमेश्वर का दान है, उद्धार परमेश्वर का अनुग्रह है, उद्धार परमेश्वर की कृपा है। कैसा हुआ, परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, पूरे संसार के पापों का दंड उसके ऊपर डाला और पूरे संसार को पापों की क्षमा दी, पूरे संसार का उद्धार किया, बराबर। अभी हम यदि यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि हमें पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई आदमी अपने भले कामों से स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि एक भी आदमी ऐसा नहीं है वो पाप के बिना जीता है। सब लोग पाप करते हैं, पाप हमारा जीवन बन चुका है। हम सुबह पाप करते हैं, दोपहर पाप करते हैं, रात पाप करते हैं, पाप हमारा जीवन बन चुका है। मनुष्यों का जीवन पापों से गंदा बन चुका है, इसलिए मनुष्य पाप के द्वारा, पाप के कारण स्वर्ग में नहीं जा सकता है। परमेश्वर के पास एक रास्ता है, वो रास्ता यही है,
उसका पुत्र यीशु मसीह जो है, उसका बलिदान, उसका लहू बहना, उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है, हम सीधे स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे भले कामों से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमें उद्धार मिलता है। अनुग्रह उसका पुत्र यीशु मसीह उसके नाम में है, उसके बलिदान में है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से बाहर निकाला है भले काम करने के लिए, ताकि हमारे हाथ से भले काम हो जाए, परमेश्वर का नाम बड़ा हो जाए, परमेश्वर के नाम का महिमा हो जाए, और मरने के बाद हम सीधे स्वर्ग में चले जाए। ये परमेश्वर की उद्धार की योजना है, पूरे मानव जात के लिए है, पूरे संसार के लिए है। जो कोई इस उद्धार की योजना का स्वीकार करेगा उसको उद्धार मिलेगा, जो उद्धार की योजना नहीं पसंद करेगा उसको उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार सबों के लिए है, लेकिन स्वीकारना न स्वीकारना हमारे हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने का समय है, आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए, और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।